This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। तोशाखाना टू केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। तोशाखाना टू केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत अरियाला जेल में हुई। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर पहले से महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्माइद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। याद रहे कि अदालत ने तोशाखाना टू केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 8 नवंबर को महफूज किया था। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और इनके अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना के दूसरे केस में 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। आईनी बेंच की पहली समाअत, माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इकदामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस से मुतालिक समाअत में सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस पर समाअत हुई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच केसेस की समाअत कराया है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने रिमार्क दिया है कि माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलों को देखेंगे, जबकि जस्टिस मसरत हलाली का कहना था कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस नसीम हसन शाह को खत आया था कि इस्लामाबाद को सनती जोन बनाया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है, क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इकदामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों पर वजाहत। लंदन में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने अपनी सेहत से मुतालिक कहा है कि मेरी बीमारी पर सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझे कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। मुझे पैराथायराइड का मसला है। मरियम नवाज ने कहा है कि व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं और झूठा प्रोपोगंडा करने के लिए पूछा जा रहा है कि मैंने अपना इलाज पाकिस्तान से क्यों नहीं करवाया, तो इन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा सारा इलाज पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन पैराथायराइड ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में ही होता है। उन्होंने बताया है कि पैराथायराइड का इलाज इंग्लैंड में भी नहीं होता और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जहां इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। मरियम नवाज ने बताया है कि गुज़िश्ता वर्ष जनवरी में स्विट्ज़रलैंड में इनकी सर्जरी हुई थी। अब भी वो इलाज करवाने के बाद चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुँच रही हैं। इमरान की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं है। फजल रहमान लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाकये की मजम्मत की। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बरतानिया की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना इन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, दुनिया के लिए इनकी पॉलिसी एक है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमेशा आइन और जमहूरियत पर शबो खून मारा गया है। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मुफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। उन्होंने मजीद कहा कि किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं है। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा के किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दिन में मुसाफिरों की तादाद का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया जो 1,61,000 तक पहुंच गया। जद्दा से देखते हैं नुमाइंदा पक्की खबर आबिद चमन चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दिन में मुसाफिरों की तादाद का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया जो 1,61,000 तक पहुँच गया। जद्दा एयरपोर्ट की इंतजामिया का कहना है कि यह रिकॉर्ड बुध 6 नवंबर 2024 को कायम हुआ जिसमें जद्दा एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफरों की तादाद 81,195 और यहां से जाने वाले मुसाफरों की तादाद 79,994 रही। मस्कूरा दिन कुल 817 परवाजें जद्दा एयरपोर्ट पर उतरी। इस तरह आने और जाने वाली परवाजों का हिसाब लगाया जाए तो ये फी घंटा 34 फ्लाइट बनती हैं। इन तमाम प्रवासों के मुसाफरों के 1,32,199 पैकेजेस भी हैंडल किए गए। जद्दा एयरपोर्ट की मैनेजमेंट का कहना था कि यह कामयाबी उन तमाम शराकत दारों की यकजहती और तावन की बदौलत हासिल हुई जिन्होंने इसके उसूल में अहम किरदार अदा किया।
याद रहे जिद्दा एयरपोर्ट पूरा साल उमरा जायरीन की वजह से सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जो जायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में अपनी मिसाल आप है। अब चमून चांद, पक्की खबर, सऊदी अरब। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बाइस ताखिर का शिकार। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 1 बजे शुरू होना है, लेकिन ताहाल टॉस ना हो सका, जबकि पिच को कवर से ढांप दिया है। रिजवान का इस मैच के हवाले से कहना था कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया को मचल स्टॉक जोश हेजलवर्थ, मुस्तकिल कप्तान मचल मार्च और ओपनर ट्रेवस हेड के खिदमत हासिल नहीं होंगी। जोश इंग्लिश सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की क्यादत करेंगे। इस फॉर्मेट में दोनों टीमें आखिरी बार मैच 2022 में लाहौर में आमने सामने आई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।